हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है नोटबुक ट्यूटोरियल्स। तो एक बार फिर से ले आया हूँ आपके लिए एक और मजेदार वीडियो जिसका टाइटल है चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 7 चैप्टर इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको बेसिक सारी चीजें समझने के लिए मिलेंगी इस चैप्टर में जितना भी हमने सॉल्व की है चीजें। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन में कहा क्या है, आप सभी को इसमें ए पार्ट का ये जो दोनों साइडें में दी हैं आपको, देखिए बीच में बॉक्स है, तो आपको कंपेयर करना है। ये लेफ्ट साइड में जो नंबर दिए हैं इनको सॉल्व करना है, जो इसका आंसर आएगा उसको आपको कंपेयर करना है इसके आंसर से, जो भी ग्रेटर होगा उसकी तरफ साइन कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले ए वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, ए वाले में देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ लिखा है -8 और यहाँ लिखा है -4, तो पहले वाले में ये दोनों का सब मिला के अगर आप सॉल्व करके आएगा आपका आंसर, तो वो आएगा आपका -12, क्योंकि देखिए -8 है और -4 है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा -12। और इस वाले को अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे -8, ये माइनस है, ब्रैकेट है -4। अभी पीछे रिसेंट मैंने कुछ वीडियोस में ये बात आपको क्लियर की थी, ये जो माइनस होता है ये ब्रैकेट होता है, इसको आप मल्टीप्लाई लिया कीजिए तो माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ ये बन जाएगा +4। तो देखेंगे यहाँ -12 आ रहा है और यहाँ पे आपका आ रहा है -4, दोनों को कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव में बड़ा वही होता है जो जीरो के ज्यादा पास होता है। तो देखिए -4 ज्यादा पास होगा एज कम्पेयर टू ये, इसलिए इसमें ग्रेटर साइड आपकी ये राइट साइड में होगी, तो साइन जो होगा वो आपके लिए इस तरफ ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बी पार्ट कर लेते हैं और बी पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपके लिए कर देता हूँ। बी में यहाँ पे लिखा है कि -3 है पहले, फिर 7 है आपका और फिर उसके बाद -19। इन चीजों को सॉल्व करेंगे तो देखिए -3 और -19 को पहले कर लीजिएगा माइनस माइनस वाले मेथड से, तो आप करेंगे यहाँ आ जाएगा -22 और यहाँ आ जाएगा +7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -15। अब ये वाले साइड को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे अगर आप करोगे तो 15 -8 और -9, तो इसमें भी यही बोलूंगा कि इन दोनों को पहले साथ में सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से आ जाएगा -17 और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा -2। -15 और -2 में से ग्रेटर कौन सा होता है, -2 होता है, तो इसका आंसर भी आपका राइट साइड के लिए जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब करते हैं इसका सी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट भी यहाँ पे आपके लिए मैं कर देता हूँ सॉल्व, 23 -41 उसके बाद +11। तो देखिए ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों को पहले साथ में ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 2 1 होता है 3 और 3 1 होता है 4 और इधर आएगा -41। ठीक है, अब ये वाली इसकी राइट साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है 23 -41 -11, तो यहाँ ये भी माइनस का ये भी माइनस का, इन दोनों को साथ में सॉल्व कर लीजिए, तो आप इसे साथ में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एंड में आ जाएगा इसके ये 1 और 1 2 और 4 1 5, तो इधर ये माइनस का आ रहा है। इन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए इनको एक और बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो देखिए 34 में से -47 करेंगे तो इधर आ जाएगा -7 और यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे -29, तो -7 जो होता है वो ज्यादा क्लोज होता है जीरो के, इसलिए ये वाला बड़ा होगा। तो सी वाले पार्ट में आपका जो आंसर आएगा ये वाला आएगा, ऊपर आपके दोनों राइट साइड के लिए आंसर आए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब डी वाला पार्ट कर लेते हैं जल्दी से और डी वाला पार्ट करके उसे समझ लेते हैं हम लोग कि डी वाले में कैसे चीजें की जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए डी वाला करते हैं। डी वाले में बोला है कि यहाँ पे प्लस का 39 है, फिर आपका -24 -50, तो यहाँ भी पहले माइनस माइनस वाले नंबर आप साथ में सॉल्व कर सकते हो, माइनस माइनस वाले आप जैसे ही करोगे तो ये भी आ जाएगा माइनस का 39 और इस तरफ आ रहा है आपका आंसर 0। अब ये राइट साइड में देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 36 -52 फिर प्लस का 36, ये हो जाएगा। ठीक है, 36 36 एडिशन वाला है 72 -52, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव का 20। तो देखिए 0 और 20 ये पॉजिटिव नंबर में है, तो जब भी 0 का कंपैरिजन किसी पॉजिटिव नंबर से करते हैं तो हमेशा ही पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होता है, तो इसका आंसर राइट साइड वाले के लिए जाएगा कि राइट साइड वाला बड़ा होगा। ये बहुत लोगों ने कमेंट में पूछा था कि 0 का कंपैरिजन अगर किसी नेगेटिव नंबर के साथ किया जाए या फिर किसी पॉजिटिव के साथ किया जाए तो उसमें आंसर क्या होगा, तो देखिए वहां पे आपको ये आंसर मिल गया होगा कि 0 पॉजिटिव में तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है, बट 0 का कंपैरिजन मान लीजिए अगर किसी नेगेटिव नंबर से करते हैं तो देखा जाए तो उस हिसाब से 0 ज्यादा बड़ा है, बट ऐसा आता नहीं है कभी भी कि 0 का कंपैरिजन कभी भी नेगेटिव से आता नहीं है, बट तब भी अगर देखा जाए नॉर्मली तो 0 आपका ग्रेटर होगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर होगी होगी, काफी लोगों का इस चीज पे कमेंट था,
सर इस चीज के बारे में बता दीजिए कि इस वाले केस में बड़ा कौन सा होगा, जीरो और पॉजिटिव वाले में। तो आई होप वो चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट पे, जिसमें बोला है -231 +79 +51, और इस साइड में है आपका माइनस का 399 +159 +81। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिए ये माइनस का है, दोनों एडिशन वाले हैं, तो इसको ऐसे अलग रखिए, इन दोनों को साथ में सॉल्व कर दीजिए। तो इसको करेंगे तो इधर आ रहा है 130, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा -101। देख लेते हैं बड़ा कौन सा है। यहाँ पे ये वाला 399, दोनों एडिशन वाले साथ में सॉल्व कर लीजिए तो आएगा 240। इसका इससे कंपैरिजन करेंगे तो आएगा 1 का -159, ये आ रहा है। अब इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियस सी चीज है, ये आपका ग्रेटर आएगा, इसलिए इसमें आंसर आपका लेफ्ट साइड के लिए जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 के सभी पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर कोई आपका डाउट बचता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसको कमेंट में कोशिश करूंगा रिजोल्व करने की और आपको सही आंसर देने की। तो वीडियोस कैसी लगी ये बताना मत भूलिएगा, लाइक करके कमेंट करिएगा। जो भी चीज डाउट होता है या फिर किसी भी तरीके का अप्रिशिएशन भी देना चाहें आप कमेंट कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है उस चीज के लिए। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों में शेयर करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा सा हाई होगा, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा इस चीज पे। इस चैनल पे जीके का भी कंटेंट आएगा, साइंस बाकी सब सब्जेक्ट का इन फ्यूचर आता रहेगा, पहले मैथ्स कवर करते हैं। ठीक है, टिल देन अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। तो स्टूडेंट्स टेक केयर, हैव अ नाइस डे।